पुरी के जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। बता दें कि रस्सी खींचते समय एक व्यक्ति की दम घुटने से मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल भी है। मृतक की पहचान बलांगीर जिले के ललित बगरती के रूप में हुई है, जिन्हें पुरी जिले जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। बता दें कि इस रथ यात्रा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हिस्सा लिया था। जानकारी के मुताबिक उड़ीसा की मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी इस घटना को लेकर दुख जताया है और उन्होंने मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है। वहीं उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग ने स्थिति का जायजा लेने के लिए पुरी जिला मुख्यालय अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने सभी घायलों से मुलाकात कर उनकी स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान महालिंग ने पत्रकारों से कहा, हम मृतक की पहचान का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से स्वास्थ्य व्यवस्था की निगरानी की है और अस्पताल के अधिकारियों को घायलों को उचित स्वास्थ्य सेवा देने का निर्देश दिया है। वहीं इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि भगवान बलभद्र का रथ खींचते समय भगदड़ जैसी स्थिति में एक पुलिस कर्मी सहित कुछ लोग घायल भी हुए। उन्होंने कहा कि घायलों को अस्पताल भेजा गया है। बता दें कि उड़ीसा में पुरी स्थित 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर से रविवार दोपहर हजारों लोगों ने विशाल रथों को खींचकर लगभग 2.5 किलोमीटर दूर गुड़ेंजा मंदिर की ओर प्रस्थान किया। इस दौरान पूरा वातावरण जय जगन्नाथ और हरि बोल के जयकारों से गूंज रहा था और श्रद्धालु इस पावन मौके पर भगवान की एक झलक पाने का प्रयास कर रहे थे। रथ यात्रा शुरू होने से पहले विभिन्न कलाकारों के समूहों ने रथों के सामने कीर्तन और ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किए।